कसं काय साक्रीकरांनो, मोठं ब्लॉग आवडतोय का नाही अहो सांगा मला कमेंट मध्ये। व्हाट्सअप कैसे हो सभी? बढ़िया, मस्त, मजे में। तो फिर अभी जा रहे हैं साकरी को एक्सप्लोर करने के लिए, चलो साथ में बताते। ओके भाई साहब, अभी मैं जा रहा मेरे पापा जी को काम पर छोड़ने के लिए, और जाते जाते आपको भी साकरी के नज़ारों से रूबरू कराऊंगा। अभी तो मैं हूँ नैना सोसाइटी में। मेरे पीछे सीधा जाता है पिंपलनेर। पिंपलनेर से जो भी भाई लोग देख रहे होंगे, भाई नीचे कमेंट कर दो। अगर तुम बुला दे तो मैं आ भी जाता है पिंपलनेर, पर कोई बुलाने वाला ही नहीं था पिंपलनेर से, तो फिर मैं कैसे आऊं। Vamos a bailar। अभी साकरी की गलियों में से ही जा रहे भाई अपन। अरे तुम्ही इतपर्यंत द्यायला आले का? असं आहे का? काय साकरी करांनो, मोठं ब्लॉग आवडतोय का नाही अहो सांगा मला कमेंट मध्ये। इथं मी 14th शिकलो होतो, तर बाबासाहेब आंबेडकर एकदा बघूनच घेऊया यार, आलेलो आहे तर म्हणजे काय बघायला काय अडचण नाही ना। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विद्यालय, इथं मी टायरांमध्ये खेळायचो ना भाई, इथं सगळ्या लाईनीमध्ये आम्ही उभं राहायचो। किती आठवणी भाऊ, प्रार्थना वगैरे म्हणायचो इथं, निळे चड्डी घालून मस्तपैकी। अरे वा 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 वा, इथं टायरांवरती आम्ही खेळायचो हे आठवत आहे मला, बाकी जास्त काहीच आठवत नाहीये। पण हे आठवतंय की आम्ही इथं लाईनीमध्ये उभं राहायचो मस्तपैकी, प्रार्थना वगैरे करायचो सकाळी सकाळी। खरा तो एकची धर्म इतनी शक्ती हमे दे ना दाता। अजून एक होती आठवा आठवा, तुम्ही पसायदान म्हणायचो यार, इथं बक्षीस समारंभ वगैरे करायचे। खूप जास्त आठवणी आहे या शाळेमध्ये, पण 14th होतं त्यामुळे जास्त एवढं लक्षात नाही आहे, पण मजा आ रहा भाई। इतने दिनों के बाद में यहाँ पर आ रहा, एक टूर हो गई मेरी बेसिकली। ओके चलो चलो। काय म्हणता गणेश भाऊ, मजेत का? हा माझ्या घडेच येणार होता का? काय म्हणता, मजेत आहे ना गणेश भाऊ कडे आलेलो आहे मी। गणेश भाऊ दाखवत आहे का? गणेश भाऊ थोडासा अँगल चांगला घ्या ना। आमचे गणेश भाऊ ती कॉलनी मी हूँ करंटली, और अभी मी जा रहा स्वामी समर्थ सोसायटी। अशा काय रस्ता शेबू भाऊ उभा। बच्चों के 3:30 और हमारे गणेश भाई आए थे यहाँ पर, इतने टाइम से हम पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे। अभी हमने एक जस्ट ऑब्जर्व किया कि जो गोप्रो का एंगल अभी टेढ़ा मेढ़ा हो गया था, पर अभी हो गया है, आज के ब्लॉग में मिलने जाएगा। अगली बार से अच्छा होगा। तो ओके, तो फिर गणेश भाई मुझे बता दो यार, मतलब ब्लॉग के ऊपर क्या फीडबैक है, कैसा था? मतलब जा रहे दिन इंप्रूव हो रहे टाइम जाता है। यस बिल्कुल, गणेश भाई के साथ मेरा जब सबसे स्टार्टिंग में 2017-18 में जो ब्लॉग बनाया था मैंने पुणे से जाके नासिक तक का, अरे एवढा जोर मा बोली राहिनो कभी सगळ्या जागा तर नाही जातील ना। नासिक धक्का मैंने एक ब्लॉग बनाया था, वो गणेश भाई के साथ बनाया था, वो शूटिंग लेता था, मतलब सब मोबाइल में शूट हुआ था वो। एक बार देखिएगा आएगा किधर, तो एक बार देखिएगा। उस समय थोड़ा कैमरा शाय था, कैमरा शाय है अभी, हिम्मत हो जाती। नक्की भेटूया, ये मग दादा साहेब भेटूया लवकरच। चलेगा भाई, बाय बाय, चलो बैठू साले। हाँ जी भाई साहब, अभी बच चुके हैं 5:15 और देवेंद्र आ चुका है, मतलब आएगा ही अभी न्यू इंग्लिश स्कूल के पास, जाते निकल रहा मैं दुलिया के लिए। बैठू यार, भारी वाट लाई इतके दिवसानंतर, भेटत रहो पुण्यात, तुम भेटत रहो। शाम का टाइम है बेसिकली, मैंने अंदाज लगाया मतलब 5:30 निकलेंगे, 6:30 तक पहुंचना है, मतलब ज्यादा अंधेरा तो नहीं होना चाहिए। अभी देखते हैं देवेंद्र कितने टाइम में आता है। विचार कर क्या वीडियो बगा, अरे दखा ना रे वीडियो, धीरज बोर से डाक यूट्यूबला, लाइक कमेंट सब्सक्राइब मारा।
धन्यवाद. चलो ना येशी, तू भी येशी. ओके बॉयज, शिवाळी. अरे बाप रे, एवढा दूर आणा रे. वो ये ऐसा ही होता है यार, वन वे का सीन. इसलिए मुझे नाइट राइड बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर भी देवेंद्र भाऊ की वजह से अभी करनी पड़ रही है. अभी तो 6 बज चुके भाई. आता लॉकडाऊन मध्ये बारीक होऊन गेलेली दिसते. अरे कुत्र काय बुकी राहणार आहे. उतर रे, उतरणार आहे नवरदेव. कुठे लाव गाडी. वही धूले के अंदर एंट्री कर चुके हैं. एक्चुअली हमारे एक भाई है धूले से, जो कि फेलो यूट्यूबर है, वो भी ब्लॉग्स वगैरह बनाते हैं. रामेश्वर भाऊ तन्ना पण मला भेटायचा प्लॅन है. आता खूप सडन मीट है, मे बी ब्लॉग बनू आम्ही सोबत. आता सध्याला तर मी यश भाऊंकडे जाऊन राहिलो. यश भाई के पास जाके मैं आपसे बात कर रहा हूँ. यश भाई भी कब से राह देख रहे मेरी. मैंने बहुत ज़्यादा लेट कर दिया यार, मतलब इतना लेट नहीं होना चाहिए था. मेरी बुआ के घर रुका था मैं बेसिकली, तो उसकी वजह से भी मतलब थोड़ा थोड़ा डिले हो गया. तो भाई साहब हमारे रामेश्वर भाई से मिलने के लिए निकल पड़े हम. भाई को बोला है मैंने कालिका माता मंदिर के पास आ जाओ करके. भाई वहीं को भी लेके आ रहे अभी, तो बढ़िया मज़ा आएगा यार. मतलब एक्साइटेड हूँ मैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. फर्स्ट टाइम भाई से सब्सक्राइबर मीट होने जाने वाला है. मतलब भाई को मैं बहुत सारे टिप्स दूंगा. मालत फोन लावताय का? असं आहे का? मी काय सांगतो, मला वाटलं इथं लाईटिंग वगैरे भेटेल म्हटलं. तिथं बसायचं का? ओके काय अडचण. ओके भैया जी, देखतो तो सही धुले का नजारा. नाईट सीन ये है की हमें लाइटिंग कंडिशन अच्छी चाहिए. अगर हम शूट कर रहे हैं तो फिर लाइट अच्छा होना भी जरूरी है. तो फिर देख रहे भाई लाइट का जुगाड़ कुछ तो. ओके वही नहीं साहब बना ले ले. नक्की दादा या बेसु मस्त है कि गप्पा वगैरह मारू या. भाऊ साहेब धन्यवाद, खूप खूप भारी वाटलं भाऊ एकदम. आणि यांना पण सांगतोय मी, भाऊंना एकदा बघा, भाऊंचे चॅनल बघा. भाऊ करतील, हळूहळू इम्प्रोवाइज होतील. वहिनी पण सोबत आहे, भाऊंची जोडी एक नंबर आहे. आणि होईल सगळं होईल धीरे धीरे. भाऊंना बेस्ट ऑफ लक. अरे भाऊ अरे काही अडचण नक्की नक्की करील मी. नाही नाही काही अडचण नाही, आपण काही गडबडीत आहोत. आणि खूप खूप धन्यवाद, तुम्ही इतक्या लांब आले आणि एवढा वेळ काढून भेटले, मला आनंद वाटला. यश भाऊंच काय, यश भाऊ ब्लॉग मध्ये यायचं नसतं माझ्या. काही अडचण चालेल भाऊ. भाऊ एवढे भारी बोलायला आहे. भाऊ बरोबर करतील काही ना काही. चालेल चला भाऊ, बेस्ट ऑफ लक. होईल बरोबर. चलो बाय बाय.